हिमाचल प्रदेश सरकार कैबिनेट का बड़ा फैसला, पूर्व सरकार की अबकारी एवं कराधान नीति को निरस्त किया। इस बारे में जानकारी शिक्षा मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री भारद्वाज ने बैठक के दौरान दी। जो भी अबकारी एवं कराधान में जो भी कॉर्पोरेशन बनाई गई थी उसे समाप्त कर दिया गया है। हिमाचल के जो डीलर हैं उन्हें पुरानी पद्धति पर काम दिया जाएगा और उस सारी प्रक्रिया की जांच की जाएगी जो उस समय की गई थी। भाजपा की चार्जशीट में यह मुद्दा प्रमुख था, इसीलिए यह निर्णय लिया गया है। अबकारी कराधान में जो कॉर्पोरेशन बनाई गई थी वो पॉलिसी के अनुसार नहीं थी और कुछ ऐसी शक्तियां व लोगों को दी गई थी जिसका उस पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं था। जो कॉर्पोरेशन बनाई गई थी उसका हिमाचल सरकार और ग्राहकों को कोई फायदा नहीं हुआ। इसके तहत जो सप्लायर थे वो अपनी मनमर्जी से सप्लाई देते थे और रेट पर कोई अंकुश नहीं था और मनमर्जी से दाम वसूले जाते थे। इस बारे में मेडिलिटी अभी तक होना बाकी है और यह निर्णय सैद्धांतिक है। इसके अलावा कुछ रूटीन निर्णय भी लिए गए। इसके अलावा पिछले सरकार के 6 महीने में जल्दबाजी में हुए कार्यकाल का भी रिव्यू करने की बात कैबिनेट की दूसरी बैठक में की गई, उस पर भी कार्य प्रगति पर है।